हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोनिका, आप देख रहे हैं राउत फैमिली ब्लॉग। एंड आज का जो ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग टाइम से, और अभी हमारा लगभग सारा काम हो गया है, जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है और नाश्ता वगैरह भी हो गया सबका। सो प्यार से फ्री है। और कल क्या था, हमने एक प्रैंक मम्मी के साथ जो कि क्या हो गया तो आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि कल ब्लॉग का मैंने एंड कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया नहीं ब्लॉग में, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। सो कैसा रहा जो भी था तो आप पहले वो देख लीजिए। इस वाले ब्लॉग को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो अभी टाइम है एक छोटा सा प्रैंक करने का, तो चलिए करते हैं मिलके प्रैंक। अरे उड़ी होना मम्मी, फर कर दो, रुक जाओ जल्दी जल्दी, फिर बुलावा आया था कि मम्मी के ऊपर। चलो चलो अभी करेंगे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जल्दी आओ। प्रैंक क्या तो ये करेंगे मम्मी पे प्रैंक। सो प्रैंक यही था और वो फेल हो गया क्योंकि इन्होंने सही से किया नहीं। और ये अभी कैट के लिए को भी सिखाओ, अभी इसको नहलाया थोड़ी देर पहले अभी नहलाया इसको थोड़ी देर पहले, तभी मुझसे कह रही कि मेरे को भी दिखाओ, तो मैं नीचे बैठ गई हूँ। और अभी इस वाले ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वो प्रैंक। वैसे तो इन्होंने सही से किया नहीं, मुझे लगा सही से करेंगे तो अच्छे से होगा, तो उसे डांट पड़ेगी नहीं थोड़ी सी डांट पड़ी, फिर नहीं पड़ेगी ना मम्मी के ऊपर, तो गिराया नहीं, मुझे लगा था मम्मी के ऊपर ऐसे मारेंगे तो ज़्यादा डांट पड़ेगी इन्हीं को, बट वो हुआ ही नहीं। सो थोड़ी सी डांट पड़ी पड़ी थोड़ी सी डांट पड़ेगी इनको थोड़ी सी, और फिर ऐसी मतलब सही से हुआ नहीं। मैंने तो सही किया था अपना, जब मैंने इनके ऊपर किया था काफ़ी अच्छा रिएक्शन था इनका उनको लगा कि सच में मैं इनके ऊपर अंडा फोड़ रही हूँ, बट जब इन्होंने मम्मी के ऊपर किया ना तो वो इन्होंने ख़राब कर दिया। तो खैर ठीक ही था, प्रैंक सही था। और अभी इस वाले ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे। और अभी तो अभी तक साइकिल में बैठी हुई थी, जब तक मैं नहा रही थी थोड़ा सा मम्मी के साथ साइकिल में लगी हुई थी और बस इधर उधर कर रही थी। अभी मैं अंदर आई हूँ ना, तब भी अंदर आ गई मेरे साथ, चले बाहर। हाँ दादी कहाँ है, क्या लगा आपके फेस में अभी, तो अपने नाई नाई करी। और सुबह सुबह मैं और मम्मी किचन की सफाई कर रहे थे, आज बहुत टाइम लग गया, आज वैसे भी नहीं तो थोड़ा हम जल्दी कर लेते काम वाम, आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैंने पैकेट पैकेट किए हुए थे सारी किचन में, दाल सचिन से पैकेट में होती है ना, तो मैं थोड़ा सा निकाल के फिर उस पैकेट को वैसे बंद कर देती हूँ, डिब्बे खाली हो जाते हैं, डिब्बों में डालना ही भूल जाती हूँ, ऐसे हो जाता है। तो आज हमने वो भी किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी बैठे पहले पापा जी के साथ घूम रही थी बाहर, फिर वो जैसे ही किचन में आई और उसने देखा कि किचन में एक सारा फैला पड़ा है, उसको उसकी जो नज़रें हैं ना मैगी के ऊपर चली गई, और सुबह सुबह कह रही कि मैगी दे दूँ मैगी बना दूँ। फिर मैंने मैगी बनाई मैडम के लिए, खाती तो है नहीं, सारा नीचे गिरा दिया, वो बाहर बैठी हुई थी अपने टेबल चेयर लेके, ये इधर ही रखे हुए अभी अभी अंदर लेके आ गई, क्योंकि जैसे सुबह सुबह तो लेके जाते हैं बाहर, फिर धूप जाती है ना तो अंदर ले आते हैं। कैसे खाई आपने मैगी, कैसे खाई मैगी, कैसे खाई आपने, कैसे खाई मैगी, टप टप कह रही टप टप टप, तो थोड़ी सी तो खाई उसने, बाकी सारा नीचे गिरा दिया। मम्मी कह रही थी मतलब मम्मी ले रही थी अभी से कि सही से बैठ, पहले तो बैठ के खाती टेबल में, फिर उसने सारा गिरा दिया वो नीचे, फिर उसके बाद मांगी नहीं कि अब मेरे को और चाहिए। अच्छा है अच्छा है। सभी मुझे थोड़ा सा काम करना है, मम्मी का ब्लाउज सिल रही हूँ मैं कल से, तो वो आधा अधूरा हो गया है। अब वैसे ज़्यादातर क्या करती हूँ मैं, ब्लाउज़ ना ख़राब से हो जाते हैं, मतलब टाइट से वैसे हो जाते हैं तो इस बार तो कल ये भी मुझसे कह रहे थे कि इस बार ख़राब मत करना, तो मैं देखती हूँ अभी वो थोड़ा सा आज
सोचू कंप्लीट कर ही दूंगी उसको, आधा अधूरा हो गया अब। नहीं अब आधा अधूरा हो गया है, अभी चलती हूँ मैं, थोड़ा सा रह गया उसमें काम तो वो करती हूँ। और अभी दादी के साथ खेलेंगे। दादी के साथ खेलोगे आप? किसके साथ खेलोगे फिर? बाकी बात मैं भी चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सुबह दिन का टाइम है और मैं अपने किचन में, मुझे बनाना है लंच, तो लंच की तैयारी चल रही है। तो लंच में तो ही दाल चावल बनेंगे, और से पहले मैं थोड़ा सा पापड़ तल लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ना मतलब ऐसे हो रहा है रखे हुए हैं तो भूल ही जाती हूँ मैं डेली, और आज मेरे को ध्यान आया तो मैंने सोचा पापड़ भी तल लेती हूँ एक दो। तो पहले ये करती हूँ, उसके बाद दाल चावल बनाऊँगी। पड़ गए हैं रेडी, अभी जल्दी से दाल बनाती हूँ। अभी दाल चावल हो गए हैं रेडी, और आज बनाई है मैंने मम्मी की पसंद की दाल। उन्हें तो सिर्फ ऐसी दाल पसंद है जो कि ज़्यादा गली भी ना होती है, वो वाली जो ज़्यादा गली भी नहीं होती ना वो वाली। और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ तो उसको ज़्यादा ही बॉयल कर लेती हूँ तो वो अच्छे से गल जाती है। तो आज मम्मी वाली पसंद की दाल बनी है, आज मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किया, आपसे जल्दी गैस बंद कर दी, नहीं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, क्योंकि ये मिक्स वाली दाल है तो जल्दी गल जाती है। तो आज मम्मी के पसंद की दाल बनाई है मैंने, नहीं तो ज़्यादा हमेशा ऐसे होता है कि ज़्यादा गल ही जाती है। तो आज चावल हो गया है रेडी, और अभी जाती हूँ मैं, सब बन रही है। बैठो बैठो, आपके लिए कहाँ है? मेरे लिए, दादी के लिए कहाँ है? दादी को मिला यही, और दादी के लिए ना, दादी के लिए कहाँ है? चार 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 तीन तीन लाडू देगा ना मेरे को, लाडू तो दादी को ये दे दो, मम्मी आपसे खा लेगी, आपका खा लेगी मम्मी, खा लेते ये दे दो दादी को, ये दो दादी को, दादाजी को ये दो, यहाँ से ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ना ना खाए, मैं नहीं खाना, मैं क्या वाला खाना है, ना क्या वाला खाता है, खाना बने ना ना खाए, क्या वाला खाना मिला, खाने यार तू ठीक है यार, मैं मजा आ गई, उठाई दी इसको, उठाओ इसको, वो तेरे लिए वो ला रखे, वो लकड़ी की वो ये है, इससे खाओ इससे, खा खा से नहीं आण मेल, ऐसे आएगा वो परिवार में छोटे बच्चे रहे तो जरा दिन दिन कोई मतलब नहीं है ना, तो भी काफ़ी टाइम हो गया है और हम सब भारी बैठे हुए हैं। इस ब्लॉग का ये भी कर देती हूँ मैं, मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ।